गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड my डियर फ्रेंड्स I am शालिनी शुक्ला एंड and इज is ऑफ़ of August 2022, Friday. Motivation फ्राइडे मोटिवेशन ऑफ द डे इज द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज इन द डशनरी आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर एक पर दिया हुआ है रिसेंट कुछ टाइम से फ्री बीस को लेकर के बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है न्यूज़पेपर्स में जिसकी वजह से मैंने ये दो न्यूज़ जो कि फ्री से रिलेटेड दी हैं जो कि एक पेज नंबर एक पर दी हुई है और दूसरी पेज नंबर चार पर दी हुई उन दोनों ही न्यूज़ को हम यहाँ पर साथ में ही कवर करेंगे तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है एजुकेशन एंड हेल्थ आर नो फ्री बीज एफ तो सुप्रीम कोर्ट में जो इशू चल रहा है पॉपुलिस्ट स्कीम्स को लेकर के फ्री बीस को लेकर के उसी स्कीम के कंटेक्स में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने थर्सडे को बोला है कि हेल्थ और एजुकेशन दो मेन प्रिंसिपल हैं वेलफेयर स्टेट्स के और जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है वो कभी भी इस पर्टिकुलर दो यान पर्टिकुलर दो राइट से डिनाई नहीं कर सकती बट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी हेल्थ और एजुकेशन को फ्री बीस कॉल नहीं किया गया है रिसेंट कुछ टाइम से फ्री बीस को और पॉपुलिस्ट स्कीम को लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और डिबेट इकॉनमी में स्टार्ट हो चुका है इवन कई सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन पर कई बार एलिगेशन भी लग रहा है कि उन्होंने फ्री बीस और पॉपुलिस्ट स्कीम के तहत पर्टिकुलर स्टेट्स का जो फाइनेंशियल पोजीशन है फाइनेंशियल साउंडनेस है उसको डेबिलिटेट कर दिया है जिसकी वजह से वो स्टेट फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन में आ चुका है तो कई सारे एलिगेशन भी लग रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स पर और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स के वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में मिलने वाली जो फ्री दी जाने वाली जो फ्री बीज हैं फ्री स्कीम्स हैं फ्री सर्विसेज हैं उनको अपोज कर रही है तो उसी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि हेल्थ और एजुकेशन प्रिंसिपल है दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं वेलफेयर स्टेट्स के जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन है डी में लेकिन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया हुआ है कि ये जो दो बेसिक सर्विसेज हैं दो बेसिक राइट्स हैं हैंट शुड बी प्रोवाइडेड इन फ्री मैनर तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने एलिगेशन लगाया है कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांगली अपोज कर गवर्नमेंट हेयर मीन सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांगली अपोज कर रही है फ्री फैसिलिटीज़ फ्री सर्विसेज जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने पीपल को प्रोवाइड कर रही तो उसी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है और अगर थोड़ा सा आप अवेयर हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो फ्री बीस को लेकर के इशू चल रहा था जहाँ पर इलेक्शन कमीशन फाइनेंस कमीशन और बहुत सारे स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व थे उस डिसीजन में थर्सडे को यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करे फ्री सर्विसेज ऑफर करने से दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल और जो डिमांड करी जा रही थी कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि फ्री बीज ऑफर करें उनको डी रजिस्टर किया जाए दिस टाइप ऑफ डिमांड इज़ एंटी डेमोक्रेटिक तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर इशू को क्लियर कर दिया है ये न्यूज़ पेज नंबर चार पर दी हुई है इसको भी हम यहीं कवर कर लेते हैं फ्री बीज अगेंस्ट डेमोक्रेसी बट लेजिस्लेशन नॉट एडवाइजेबल सेज़ सुप्रीम कोर्ट तो लेजिस्लेशन बैनिंग पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम ऑफरिंग द वोटर्स फ्री बी इज नॉट एडवाइजेबल एज पर द सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी देते हुए कहा कि जो फ्री बी सर्विसेज पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ़र करती हैं फ़्री फैसिलिटीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ़र करती हैं पॉपुलिस्ट स्कीम ऑफ़र करती हैं एट द टाइम ऑफ वोट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ऑल दीज प्रस आर एक्चुअली अगेंस्ट द डेमोक्रेसी दे आर कैटेगराइज एज एंटी डेमोक्रेटिक एज पर द सुप्रीम कोर्ट लेकिन ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन या ऐसा कोई भी लॉ या ऐसा कोई भी एक्ट जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को किसी भी तरह के फ्री बीस या फ्री सर्विसेज ऑफर करने से मना करे इस तरह का लेजिस्लेशन और पीस ऑफ लॉ भी अला एडवाइजेबल नहीं है इट मींस पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेल्फ रिस्ट्रेन होना चाहिए किसी भी तरह की फ्री बीज को ऑफर करने के लिए क्योंकि ये जो पटिशन फाइल करी गई थी इसमें डिमांड करी जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ऐसा लॉ लेकर के आए ऐसा एक्ट लेकर के आए जिसके तहत ये प्रोविजन्स हो कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के समय किसी भी तरह की फ्री सर्विसेज़ या फ्री बीस को ऑफर करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है इस मैटर को कि इस तरह का तो लेजिस्लेशन अभी एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को गवर्नमेंट्स को इकोनमी और पीपल वेलफेयर के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा तो किसी भी तरह की फ्री बीज को ऑफर करने पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर देना इज नॉट एडवाइजेबल एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अभी इस पर्टिकुलर इशू पर इकोनॉमी ऑफ फ्री बीज पर जो ट्रेड ये जो बैलेंस इस्टेब्लिश करना है ट्रेड ऑफ़ करना है उस पर अभी और नेगोसिएशन और डिस्कशन और ऑर्ग्यूमेंट होना चाहिए इकोनॉमी में जस्ट टू क्लियर आउट द विजन ऑन दिस इशू सुप्रीम कोर्ट का यह टेक रहा फ्री बीज को लेकर के अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर फोर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड कंसर्न्स ओवर रन अवे इन्फ्लेशन एंड सी एडी सीम्स टू हैव टेपर्ड ऑफ एज पर वन टॉप पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया द कमोविथ दमोडिटी प्राइस इजिंग ड्यू टू द फीयर ऑफ रिसेशन इन एडवांस इकोनॉमीज एंड द कंसर्न रिगार्डिंग द रन अवे इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट डेफिजिट है इंडिया तो एक मीडिया ब्रीफिंग में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हम बोल सकते हैं टॉप पॉलिसी मेकर ने इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इशूज पर अपने क्लैरिफिकेशन दिए अभी हम सभी जानते हैं इंडियन इकोनॉमी ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर भी इन्फ्लेशन सी रिसेशन ये बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंज बन के के सामने आए हैं बट रीसेंट कुछ टाइम में कुछ कमोडिटीज़ के प्राइसेस में ईज़ आउट देखने को मिला जिसकी वजह से और ईज आउट क्यों अगर हमें डिस्कशन करें कि सडनली कमोडिटीज़ के प्राइसेस जो कि पोस्ट पैंडमिक रिकवरी के ड्यूरेशन में बढ़ रहे थे सडनली ये कम होना क्यों शुरू होगा तो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ रिसेशन क्योंकि यू में कहा जा रहा है इवन कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि यू में रिसेशन आ चुका है और ग्लोबल इकोनमी में भी रिसेशनरी हेडविन ब्लो कर रहे हैं तो इस फीयर के बाद जो कमोडिटीज़ के प्राइजे हैं वो थोड़ा ईज आउट होना शुरू हो चुका क्योंकि रिसेशन मीन डिमांड में कमी एक के उसका इंडिकेटर है तो डिमांड फॉल कर रही है अगर तो डेफिनेटली प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे थे शूट अप कर रहे थे वो फिलहाल के लिए थोड़ा ईज आउट होना शुरू हो चुके हैं मोर स्पेसिफिकली इन एडवास्ड इकोनॉमीज डेवलप्ड इकोनॉमीज तो उसकी वजह से क्योंकि अब कमोडिटीज के प्राइसेस कम होने लगे तो जो इन्फ्लेशन को लेकर के और करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर के जो कंसर्न थे वो अब इतने इम्पॉर्टेंट नहीं रहे जैसा कि वो पहले थे एज पर द ऑफिशियल इट मीन्स कि कमोडिटीज़ के प्राइसेस डाउन होंगे इट मे बी बिकॉज ऑफ रिसेशन उसकी वजह से भी जो इन्फ्लेशन है वो कम होगी और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी रिड्यूस होगा अगर बहुत सिंपल फॉर्मेट में हम देखें तो जैसे कमोडिटीज़ के प्राइस रिड्यूस होंगे प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल डिक्रीज़ हो रहा है कमोडिटीज़ के प्राइस डिक्रीज़ होंगे फर्टिलाइजर्स के प्राइस कम होंगे सीमेंट स्टील इन सब के भी प्राइस कम होंगे मार्केट में जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट है इंडिया का वो इंडिया का इम्पोर्ट सस्ता हो जाएगा अगर इंडिया का इम्पोर्ट सस्ता होगा तो डेफिनेटली जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी मॉडरेट होगा तो एज पर द वन गवर्नमेंट ऑफिशियल नाउ दिस कैट एंड इन्फ्लेशन आर नॉट एज मच एज कंसर्न एज इट यूज टू बी और इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी जो है वो अब भी और पहले भी बेटर प्लेस में थी इन कंपैरिजन टू देयर काउंटर पार कंट्रीज और पैंडमिक के ड्यूरेशन में जो भी इम्पैक्ट डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में देखने को मिला फ्रॉम लास्ट टू इयर्स वो भी अब रिकवर हो रहा है और इंडिया इज बिकमिंग एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दिस ईयर और इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा डेटा भी साइड किया गया जैसे कि सी पी आई सी पी आई जून के महीने में सेवन पॉइंट ज़ीरो वन तक आ गई थी और आर बी आई और एम पी सी जो सिक्स मेंबर एम पी सी कमेटी है वो भी अकॉर्डिंगली डिसीजन ले रही है पॉलिसी रेपो रेट को इंक्रीज करने के जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है जो एक्सचेंज रेट का कंसर्न और जो प्रेशर था गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक पर अब वो थोड़ा सा रिड्यूज़ हो रहा है तो so, यूरोप में वॉर की वजह से जो ये कंसर्न अरइज़ हुए थे इन्फ्लेशन रिसेशन इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस कमोडिटी प्राइसेस वो फ़िलहाल के लिए अब थोड़ा सा ईज़ आउट हो रहे हैं और जो कोविड के ड्यूरेशन में जो रेट कट्स देखने को मिला था इन और बाई आर और बाई सेंट्र गवर्नमेंट अब वो भी रिवर्स होना शुरू हो चुका है जिसकी वजह से जो इंडियन इकॉनमी है वो अपने ग्रोथ के पाथ पर आ चुकी है सो दीज आर द हाइलाइट्स इंडिया पॉइस टू बी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एज वन ऑफ द टॉप पॉलिसी मेकरस हालाँकि पॉलिसी मेकर कौन है किन्होंने किसने ये अनाउंसमेंट किया किसने एनालिसिस करी उसका नाम डिस्कलोज नहीं है गवर्नमेंट कॉशनस अबाउट क्रिप्टो वजीर एक्स एपिसोड रिवीज द डार्कर साइट क्रिप्टो करेंसी को लेकर के डिजिटल करेंसी को लेकर गवर्नमेंट ने फिर से कोशिश किया एंड दिस इज द इन्फ्लेशन सी पी आई बेस्ड इन्फ्लेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेसिस तो दिस इज ब्लू बार सी पी आई एंड दिस ग्रीन और ऑलिव ग्रीन इंडिकेट द सी पी आई फूड जो कि पिछले कुछ टाइम अगर हम देखें तो रिड्यूस होना इज आउट होना शुरू हो चुके अगर आप ये टाइम फ्रेम देखें अब, देखे, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप इसी के साथ एक और न्यूज़ है एस बी आई रिपोर्ट इन्फ्लेशन ट्रांजेक्ट्री मे बी पाइन गोइंग फॉरवर्ड तो एस बी आई एस बी आई स्टैंड फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एस बी आई के एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है उस रिपोर्ट में इंडिया में अपकमिंग टाइम में अपकमिंग क्वार्टर्स में अपकमिंग मंथ्स में इन्फ्लेशन को लेकर के प्रोजेक्शन दिए गए ओवरऑल इसमें यही बोला गया है कि जो सी पी आई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो आगे आने वाले टाइम में रिड्यूज होगा हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो लेस होगी और प्रॉबली जो आर की टॉलरेंस लिमिट है उसके अंदर सी आ सकती है बिकॉज ऑफ द डिसीजन टेकन बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल और ग्लोबल फैक्टर्स तो कमोडिटी प्राइस डिक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारे अदर डिटेल एनालिसिस पर हम ले जाएंगे जिसकी वजह से इंडिया में जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है जो इन्फ्लेशन जो अभी लीनियर फॉर्मेट में बढ़ती हुई दिख रही थी अब उसमें थोड़ा सा कमी या थोड़ा सा आउट थोड़ा सा मॉडोशन देखने को मिल सकता है एज़ पर द एस रिपोर्ट एंड इकोनॉमी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो कि पेज नंबर चार पर ही दी हुई है उसको भी हम यही कवर करेंगे रुपी वीकेंस ऑन डॉलर डिमांड स्लिप ट्वेल्व पैसे रिसेंट कुछ टाइम में हमने इंडियन रुपी में रिकवरी देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ़ रीजन हमने उस न्यूज़ को कवर भी किया था बट अब कल के ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग या कल के जो ट्रेडिंग के सेशन रहे उसमें रुपी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ट्वेल्व पैसा फॉल किया है ट्वेल्व पैसा फॉल किया है अगेंस्ट द यू डॉलर इसका रीज़न सडनली रूपी में ट्वेल्व पैसा का फॉल क्यों देखने को मिला सडनली जो रूपी ने गेंद रजिस्टर किया था रिसेंट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में वो गेंद वापस से सरेंडर क्यों कर दिया इंडियन रूपी ने अगर हम बोले इंडियन रूपी क्यों वीक हुआ अगेंस्ट यू डॉलर सो बिकॉज ऑफ अ स्पेट ऑफ डॉलर पोर्चेज डॉलर की पोर्चेज में सडन एक इंक्रीज देखने को मिला क्यों इंक्रीज़ देखने को मिला किसने किया फ्रॉम ओ एम सीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड इम्पोर्टर्स ड्रैक डाउन द डोमेस्टिक करेंसी So, because of the purchase of dollar by OMCs and importers, the domestic currency that is Indian rupee has been dragged down in last session. So, rupee, which 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 the total rupee was 79.64% and the of was 7954 So, 12 paisa fall Indian rupee amid the purchase done by the OMCs. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर थ्री दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर फोर ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड इंडस्ट्री चीयर्स एज स्टेट्स क्लेम ओवर इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट्स तो रीसेंट जो अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 उसको लेकर के कॉन्ट्रोवर्सी आर्गूमेंट एंड डिबेट स्टार्ट हो चुका तो पार्लियामेंट में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है रिसेंटली उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं या कुछ ऐसे नए अमेंडमेंट्स एड किए गए हैं जिसके तहत पहले वो सारे सब सब्जेक्ट मैटर जो कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर में आते थे स्टेट्स गवर्नमेंट जिस पर लेजिस्लेट करती थी इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज को लेकर के अब वो सारी पावर सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है एज पर द न्यू अमेंडमेंट्स तो बेसिकली जो फेडरल मॉडल फॉलो होता था इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर एज पर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू उस फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज किया गया है एज़ पर द स्टेट्स गवर्नमेंट स्टेट्स का ये कहना है कि जो नए अमेंडमेंट बिल आया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में उस पर्टिकुलर बिल में स्टेट्स की पावर को छीन लिया गया उनकी पावर को रिड्यूस कर दिया गया है वो पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसीज़ को दे दी गई है हालांकि ये तो बात रही स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स की लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो है वो चेयर कर रही है ऑल दीज अमेंडमेंट्स को क्योंकि इंडस्ट्री का ये कहना है कि ये बिल जो है एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह है ड्रास्टिक चेंज की तरह है जो कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिफॉर्म्स को पुश करेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करेगा क्योंकि जिस तरीके से डिशकॉम और जेन कॉम्स की फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल सिचुएशन इस समय चल रही है उसको देखते हुए प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं अंडर न्यू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और अमेंडेड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और अगर अमेंडेड बिल को देखें थोड़ा सा ब्रीफ फॉर्म में तो जो टोटल थर्टी फाइव अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं उस थर्टी फाइव अमेंडमेंट्स के हाफ जो हैं वो सेंटर ही प्रिस्क्राइब करेगी रहेगी प्रिस्क्राइब्ड बाई द सेंटर और व्हाट इज टर्म्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंटर मतलब थर्टी फाइव अमेंडमेंट्स में जो हाफ अमेंडमेंट्स हैं या हाफ जो प्रोविजन हैं दैट आर गिवन टू सेंटर एज अ पावर चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने की बात हो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक, सेक्टर में चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन और ट्रांसमिशन की बात हो जैसे कि अगर हम बात करें कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने की पावर थी ये पहले जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टू थाउजेंड थ्री था ये पावर इसमें स्टेट सब्जेक्ट थी बट अब ये पावर जो है वो सेंटर गवर्नमेंट को दे दी गई है जबकि इससे पहले पावर सेक्टर में जो सप्लाई चेन थी उसमें जनरेशन ट्रांसमिशन वो सेंटर के अंडर में आता था और डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो स्टेट सब्जेक्ट था बट द न्यू बिल हैज़ गिवन द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन सी ई आर सी द अथॉरिटी टू अप्रूव एनी वन हु अप्लाइज फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस इन द एरिया इट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन की पावर स्टेट सब्जेक्ट थी वो भी अब सी आर सी को दे दी गई है एज पर द न्यू अमेंडेड रूल इसी तरीके से बहुत सारे और भी सेक्शंस में चेंज किया गया जो पावर और फंक्शन जो पहले स्टेट्स को मिलती थी अब वो या तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को दे दी गई हैं या रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर दे दी गई हैं जिसकी वजह से जो स्टेट्स हैं दे आर एक्चुअली नॉट वेरी हैप्पी एंड दे आर सेइंग कि जो फेडरल स्ट्रक्चर था वो डिस्टॉर्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने ऑल दो इंडस्ट्री इज़ वेलकमिंग दिस पर्टिकुलर न्यू एक्ट और अमेंडेड एक्ट इंडस्ट्री का यह कहना है स्ट्रक्चुर रिफॉर्म इन द सेक्टर दैट वॉज हाईली डिजायरेबल सिंस लॉन्ग टाइम सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट हेज़ बीन प्रपोज बाई न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल अब जब यह बिल पास हो जाएगा तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हालाँकि टाटा पावर अडानी पावर टोरेंट पावर और अदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इस पर्टिकुलर बिल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे दे विल गेट द मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन टू दीज सेक्टर्स अब देख लेते हैं न्यूज़ क्लिप्स गवर्नमेंट गानर्स रुपीज थ्री के करोड़ फ्रॉम विंड फॉल टैक्स जब से विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट ने ओम पर लगाया है उसके बाद से कुछ टाइम बाद से ये आर्ग्यूमेंट ये डिबेट स्टार्ट हो गया इकोनॉमी में कि कितना कलेक्शन हुआ गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया थ्रू दीज विंडफ टैक्स तो उसको लेकर के कई सारी कंपनीज कई सारे न्यूज़पेपर अपना अपना डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं बट एज़ पर द बिजनेस स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली ढाई हज़ार से लेकर के तीन हज़ार करोड़ तक का कलेक्शन किया है इन फर्स्ट फाइव वीक्स आफ्टर इट इम्पोज द विंडफॉल फॉल टैक्स और इसको देखते हुए ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जब तक जो रुपी क्रूड ऑयल है उसका जो प्राइस है वो एट्टी रुपी पर बैरल से ज़्यादा रहेगा तब तक गवर्नमेंट ये वन टाइम टैक्स जो इंडियन क्रूड बास्केट है जो एम हैं उस पर लगाती रहेगी इन ऑर्डर टू कलेक्ट द मोर रिवेन्यू इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द एब प्रॉफिट दैट आर ई ऑयल कंपनीज अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर बी आई नॉर्म्स में लीड टू हाई कंप्लायस कॉस्ट फॉर लैंडिंग एप्स तो कल के न्यूज़ अनालिस में हमने जो नए डिजिटल लैंडिंग फ्रेमवर्क की बात करी थी जहाँ पर हमने कई सारे पार्टीज और उन पर लगने वाले फी को भी डिस्कस किया था तो उस पर्टिकुलर नए फ्रेमवर्क को लेकर के जो फिन टेक सेक्टर है जो फिन टेक कंपनीज हैं जो फिन टेक यूनिवर्स है दे आर एक्चुअली लुकिंग पॉजिटिव तो आर के जो रिसेंट फ्रेमवर्क आए है, है, जो रीसेंट गाइडलाइंस आई हैं डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर के डिजिटल लैंडिंग फ्रेमवर्क को लेकर के उस गाइडलाइंस से जो फिनटेक यूनिवर्स है दैट इज़ फीलिंग पॉजिटिव दैट इज मोर पॉजिटिव टू वर्ड द आर अप्रोच ऑन दिस मैटर क्योंकि फिनटेक कंपनीज का मानना है किसे के जो इलीगल एंटिटीज़ हैं जो कि लैंडिंग के स्पेस में आ चुकी हैं स्पेशली टू एक्सप्लॉय द वीक पीपल इकोनॉमिकली वीक पीपल उन इ एंटिटीज़ को कब करने में हेल्प मिलेगी इसके अलावा जो एम्बिग्विटीज़ हैं इस पर्टिकुलर गाइडलाइन में लेकर के इंटरप्रिटेशन को लेकर के जो एम्बिग्विटीज़ हैं उसको डिस्कस करेगा इंडस्ट्री एसोसिएशन दैट इज फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फेस भी बोलते हैं फेस और डी एल ए आई वॉट इज डी एल ए आई दैट इज डिजिटल लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये दोनों ही इंडस्ट्री एसोसिएशन आर बी आई से इस पर्टिकुलर नए फ्रेमवर्क पर और ज़्यादा क्लैरिटी लेंगे लेकिन फिलहाल के लिए जो फिन टेक यूनिवर्स है दैट इज़ हैप्पी एंड पॉजिटिव अबाउट द न्यू गाइडलाइंस और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स बाई आर बी आई अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप इनकम टैक्स पेज कैन नॉट ज्वाइन अटल पेंशन योजना फ्रॉम अक्टूबर वन तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब अटल पेंशन योजना पर बार लगाने जा रही है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो ये अटल पेंशन योजना आई थी ये पुअर और अनप्रिवेलेज सेक्शन के लिए आई थी जो कि किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए ये योजना आई थी तो अब आज से यानी अक्टूबर वन से इस फाइनेंशियल ईयर से जो भी इंडिविजुअल जो टैक्स पे कर रहा है किसी भी फॉर्मेट में वो इस पर्टिकुलर स्कीम को ज्वाइन नहीं कर पाएगा इस पर्टिकुलर अटल पेंशन योजना को ज्वाइन नहीं कर पाएगा तो अब थोड़ा सा अटल पेंशन योजना के बारे में पढ़ लीजिएगा दो में ये स्कीम लॉन्च हुई थी दिस वॉज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द सिटीजन बिटवीन एज ग्रुप एटीन टू फोर्टी एंड बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन the individual subscriber will get the guaranteed monthly pension 1000 rupees to 5000 rupees per month jitna contribution tha uske according a variation कंट्रीब्यूशन बहुत ही नॉमिनल था तो साठ साल की उम्र के बाद से इंडिविजुअल को एक हज़ार से लेकर के पाँच हज़ार रुपये पर मंथ इस पेंशन मिलती जिन्होंने ये पेंशन स्कीम ऑप्ट करी थी बट अब इसको गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एंड एज पर द न्यू रिस्ट्रिक्शन ऐसे सभी इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स हैं जो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स पे कर रहे हैं दे कैन नॉट ज्वाइन द ए और ऐसे कोई भी इंडिविजुअल जिन्होंने अक्टूबर वन अक्टूबर वन के बाद ए पी आई स्कीम ए पी वाई स्कीम ज्वाइन करिए उनके अकाउंट क्लोज कर दिए जाएंगे एंड दक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ वुड बी गिवन टू द सब्सक्राइबर एज पर देंटर एंड दिस इज द सेंटर्स को कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द स्कीम तो ईयर बाय ईयर गवर्नमेंट ने कितना एक्चुअल में कंट्रीब्यूट किया है तो बेसिकली गवर्नमेंट बर्डन रिड्यूस करना चाह रही है जो एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करना चाह रही है इसी वजह से यह स्कीम अब रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन यू कैन राइट ऑन कॉमेंट सेक्शन बिलो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू हैव अ नाइस डे